गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह मैं डॉक्टर से फिर से दवाई लेके आया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, तो दूसरे डॉक्टर से दवाई ली। और आज ना घर सारा खाली हो रहा है, क्योंकि प्रियदीप का सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये सारा सामान चला जाएगा, फिर घर एकदम से ना खाली खाली चला जाएगा। क्योंकि इतना सारा सामान पड़ा था, सारा घर पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब सारा सामान चला जाएगा तो एकदम से खाली खाली चला जाएगा। और फिर हम लोग ना, मैंने अभी कोई सामान नहीं लेना है, तो जो ज़रूरत का सामान है वो घर पर पड़ा हुआ ही है। और जैसे मेरी मैरिज होगी या फिर मैरिज से पहले अगर हमारा मन हो शॉपिंग करने का, तो उस हिसाब से हम दोनों इकट्ठे मिलके मैरिज से पहले भी अगर कभी उसका अंचल का इस साइड आना हुआ, तो हम सभी फैमिली पूरे मेंबर साथ मिलके एक साथ शॉपिंग करेंगे, सारा सामान लेंगे। या फिर हो सकता है कि चंडीगढ़ फर्नीचर मार्केट में जाके वहाँ से शॉपिंग करें। तो मेरे को घर का काफ़ी सारा काम करवाना है, क्योंकि रेनोवेशन के बाद घर का कुछ काम ही नहीं हुआ, और ऐसे उलझे रहे एक खर्चे, कुछ टेंशन, कुछ और चीज़ें, तो इसलिए घर का कोई काम ही नहीं हो पाया। लेकिन आज जब घर खाली हो रहा है, तो बड़ा फील हो रहा है कि सारा घर एकदम से खाली रहे। ये सारे कंप्यूटर टेबल वगैरह सब यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर मेरे को यहाँ सारा घर खाली खाली चला जाएगा। सोफे भी चले जाएंगे, सोफे चले जाएंगे, और ये सारा सामान, तो ये वाला रूम खाली रहेगा। आप लोग मेरे को बताना कि इस रूम को कैसे डेकोरेट करूँ। इसमें एक तो कलर होने सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे कुछ फर्नीचर वुडन का काम करवा सकते हैं, या फिर इसमें से डाउन सीलिंग करवा सकते हैं। इसको मैं यूट्यूब का रूम बना सकता हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए। इस साइड में छोटा एसी लग सकता है, लेकिन इस रूम में एसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कूलर से भी काम चल सकता है। तो किस तरह से क्या रूम में करना है ये आप लोग बताइएगा। ऐसे तो आंचल मेरी हेल्प कर देगी, लोग मेरे को बोलते हैं आप उसको आंचल बोलते हो, यार नाम आंचल आंचल बोलो, आंचल है ना, तो मतलब ठीक है, ऐसे मैं उसको कुछ और नाम रखूँगा, लेकिन अभी आंचल ही ठीक है। क्योंकि उसके घर वालों ने उसका इतने प्यार से नाम रखा है, तो हमारा इतना हक नहीं है कि हम उसका नाम चेंज करें। आंचल नाम बहुत अच्छा है, और दीप आंचल, दो नाम इकट्ठे अच्छे भी लगते हैं। तो हाँ, आंचल को होम डेकोर करने में बहुत मज़ा आता है, तो पूरी हेल्प करेगी होम डेकोर करने में, और आइडियाज देते हैं कि किस तरह से रूम को डेकोरेट करना है, किस तरह से क्या करना है। भैया उठा लो, उठा, ये नीचे मैट टक रहा है, मैट है ना नीचे, रजाई एक मिनट रुको, चाची रजाई जाने उधर से लाल वाली, हाँ दो रख ले, एक और ले ले, एक और ले लो ना, दो गार्डन ले ले, अब डब कर लेंगे हम। भैया ऐसे ऐसे उठा के लेना, नीचे ना वो हो जाएगा। हाँ बेड ले गए सिद्धू, अब कहाँ सोएंगे हम। हाँ ये भी ले जाएंगे बेड सिद्धू, मैंने सिर में ऑयलिंग किया है, और सिद्धू बोल रहा है कहते बेड ले गए सिद्धू। हाँ सारा समान हो गया, पै गया ना, किन्ना समान रहा अभी तक, दो नहीं है, फ्रिज, एसी, बेड, दीवान, डाइनिंग टेबल नहीं है अभी, वो उधर ही है। ए स्प्रिंग कितना ठीक में है, ठीक है फिर, ठीक नहीं है, अभिमान करी खराब है, रहन दे रहन दे, वही तो रखे भैया, पहले रखे सी। सारा घर खाली हो गया आज, यहाँ से बेड भी चले गए। प्रीति सिद्धार्थ के पास बैठ जा, मैं जा रहा हूँ यार ना, सिद्धार्थ के पास बैठो। अब ना मेरा गला थोड़ा ठीक हो गया, और थोड़ा सा आउटिंग पे जा रहा हूँ घर से दूर, थोड़ा घूमने के लिए। जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे देखो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, और मेरा मन कर रहा है वहाँ पे जाकर के मक्के की रोटी और दाल, कड़ी नहीं खाऊंगा, कड़ी से मेरा पहले गला खराब हो गया, मक्के की रोटी दाल, और अगर सरसों का साग मिला तो वहाँ पे वो चीज़ खा सकूँगा, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है मक्के की रोटी खाने का दाल के साथ, और वहाँ पर टेस्ट अलग ही होता है, और एकदम पुराने घर वाला फील आता है, जैसे पुराने टाइम में घर पे बैठ के नीचे खाना खाते हैं ना, चूल्हे की रोटी होती है मक्की की, और साथ में दाल कड़ी, सरसों का साग, तो ये सारी चीज़ होती है। मेरा शीशा कितना गंदा हो रखा है, जैसे डीएल गाड़ी की सीट पे गिरा। मेरे पास ना ये हैवी लाइसेंस है, ट्रैक्टर का, गाड़ी का, और ट्राला, और ये लाइसेंस ना मैंने ट्राई दे के बनाए हुए हैं,
गाड़ियाँ सीख के तब जा करके लाइसेंस बनाए हुए। क्या होता है कि कई बार ना ड्राइवर घर पे नहीं होता, उसको कहीं काम पे जाना पड़ता है, तो गाड़ी खुद ले जानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैंने सब कुछ सीख रखा है तो उस हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। कोई भी एमरजेंसी कुछ भी हो ना तो खुद गाड़ी लेके भी चल जाता हूँ मैं। मेरे को ना ये म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, चंबियाली गाने हैं भगवान शिव शंकर जी के, माँ गौरा जी के। तो जब रिंग सेरेमनी हो रही थी ना तब भी उन्होंने ये गाने लगाए थे, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने डांस भी किया, जब मैं पहाड़ी गाने पे नाटी कर रहा था ना तो सब लोग मेरे को देख रहे थे, उनको उनके लिए नया था ये सब, क्योंकि पंजाब में नाटी एक नई चीज़ ही है। जो लोग पंजाब के हिमाचल में ज़्यादातर घूमते हैं टिपिकल एरिया में, उन्होंने तो देख रखी लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, तो सब लोग मेरे को देख रहे थे। पर मैंने थोड़ी सी की क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शाई फील हो रहा था कि अकेला नाच रहा अपने धुन में मस्त हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा ही मैं नाचा, लेकिन बहुत मज़ा आया मेरे को। यहाँ पे आप आगे ना मेरे को देखा कि आम के ऊपर छोटी छोटी अंबियाँ लगनी शुरू हो गई है, और कुछ दिन तक अंबियों की चटनी खाने को मिलेगी। तो अंबियाँ डाल के चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन क्या होता है जब कभी बारिश ना हुई हो ना तो अंबियों की चटनी गर्म कर जाती है, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती है जिससे चटनी की तकसीर जो है वो ठंडी रहे। तो जब मैं चटनी बनाऊँगा तो आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि किस तरह से हम लोग अंबियों की चटनी प्याज वगैरह डाल करके बनाते हैं। जी इनमें ना मछुआरे मच्छियाँ पकड़ रहे हैं जाल लगा करके, और ये काफ़ी सारे किश्तियाँ यहाँ पे चल रही है, और मेरे को मौसम ऐसा लग रहा है जैसे तूफान वाला मौसम है, क्योंकि वो दूर दूर तक ना पूरा ऐसा लग रहा है कि तूफान चढ़ा हुआ है, बादल बने हुए हैं। नमस्ते आंटी, क्या हाल चाल है? रोटी वोटी मिल जूगी? क्या क्या बनाया आज? क्या क्या बनाया आज? कढ़ी दाल, दाल और साग दे रहे हो? कढ़ी नहीं खानी, गाला खराब है लेना। कढ़ी दाल और साग है ना, और मक्की रोटी बना दी, एक किया मैं कल। अभी चूल्हे की मक्की की रोटी बन जाती है, और ये है दाल सॉरी साग सरसों का, और इसमें है दाल, और इसमें है कढ़ी, कढ़ी नहीं इसमें पानी, और कढ़ी यहाँ साइड में रखी है। यहाँ पर बेसन भी बहुत टेस्टी मिलता है, अगर बेसन टेस्ट करें तो भी बचते। ये कढ़ी यहाँ पे पूरे साल ये रोटी मिलती है। अरे आंटी अंकल मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो जब कभी भी यहाँ पे आता हूँ तो इनके पास ही खाना खाता हूँ। आंटी तूफान चढ़े ना है? तूफान चढ़े ना है? हाँ क्या ला भाई? हाँ ठीक ढाई। हमने बारिश का मौसम हो रखा तूफान का, तो उससे पहले पहले अगन बोर्ड जो है ये अपनी सुरक्षित जगह पर लेके जा रहे हैं, नहीं तो तूफान से इनको नुकसान हो सकता है। तो ये अपने अपने घर को अपने अपने वो सामने बनी हुई जगह इस साइड की, तो ये यहाँ पर लेंगे या फिर उस जगह पर। अगन बोर्ड अपने पीछे किश्ती को बांध के लेके जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मम्मी अपने बच्चे को पकड़ के साथ में लेके जा रही है उंगली पकड़ के कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और ये मौसम खराब होने से पहले पहले अपने सुरक्षित स्थानों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो सामने मौसम कितना खराब है ना, मेरा खाना बन के तैयार है। संडे दिन की रोटी लगाया ना, दिन रोटियाँ बना दी है कच्ची कच्ची, और इसको उसी टाइम पर गर्म करेंगे जब जैसे जैसे खानी होगी। तो देर में आंटी लगा रहे हैं तड़का दाल का, आंटी सब चीज़ को तड़का लगाऊंगे, दाल को भी साग को भी है ना, और ये मसाला तैयार कर दिया आंटी ने, लहसुन प्याज वगैरह। मौसम खराब हो गया, उठो आंटी तेल के लिए। गर्मियों में यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना खाना खाने का, यहाँ पर ठंडी हवा इस साइड से पूरी झील की, और यहाँ पे पंखे भी नहीं चलते क्योंकि नेचुरल हवा इतनी आती रहती है। बस सर्दी में होता है कि यहाँ पे कर्टन्स लगा देते हैं या फिर कुछ और जुगाड़ कर देते हैं कि इधर से ठंडी हवा ना आए, लेकिन गर्मी में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जाते हैं ना, टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं,
इस तरह से आनंद लेते हैं। और यहाँ पे खाना ज्यादा महंगा भी नहीं है, 60 या 70 रुपए की रेट भी। और ठीक है जी, कल देखा तो नहीं जानते, कल परसों है ना स्कूटी भरते थी, कणक लैन गए थे ना, कोई नाल भी था पिछे बैठे। मौसम एकदम से तूफान वाला हो गया, बारिश वाला, और मैंने खाना खाया, खाना खा के मज़ा आ गया। आंटी ने दाल को दोबारा से जो तड़का लगाया ना उसको तो खा के ऐसा आनंद आ रहा था कि यार जन्नत में पहुंच गया। तो मैंने आंटी को बोला कि दाल थोड़ी सी और दो मेरे को, और बारिश तूफान। मैं वापस घर जा रहा हूँ और यहाँ से घर के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो घर से स्पेशल इसीलिए आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। और एक काम मेरे को थोड़ा सा और था बैंक में, तो वो काम करवाया मैंने। और अभी टाइम हो रहा है 5:35, मेरे को लगा 6 बजे, तो वापस जाकर उनके मम्मी को भी लेना है, और बस फिर घर जाकर के थोड़ा सा सामान की सेटिंग करेंगे क्योंकि घर सारा एकदम से खाली हो गया ना, तो देखते आगे क्या करना है। चलो अंदर देखो, देख लेनी है। हाँ, क्या देखना अंदर, लाइट ऑन कर दो। इधर देखो, इधर आगे देखो, इधर आगे देखो, इधर देखो। सारा खाली हो गया ना, इधर और देखो, इधर देखो आगे, इधर सो गया आप रात को, हूं क्या अब नीचे सो गया आप दोनों, प्री वहां पे मैं सोऊंगा, इधर आप और प्रिया, उधर प्रीति और सिद्धार्थ बैठ गए ऊपर। इधर भी खाली हो गया, जलाना लाइट, लाइट ऑन करना, लाइट ऑन करना, यस, ये भी सारा खाली। अब ऐसे लग रहा जैसे पुराना घर होता है ना, थोड़ा थोड़ा सामान, और स्टोर तो ऐसे पड़ा है, उसको नहीं दिखाना, वो तो ऐसे ही है। जब सामान लेके जा रहे थे ना, सिद्धू कहते हाँ कमरा फिनिश हो गया, कहता हाँ क्या सारा सामान लेके, ये मैं लगाई फोटो, ठीक है ना, मैंने दिखाना भूल गया था, मैंने यहाँ पे लगाई फोटो अपनी ना, सिद्धू कहता, मैंने सिद्धू कौन है, कहता बग्गा बग्गी, मैंने कहा मामू किसने ले लिया, कहता अंचल ने, मामी ने ले लिया बग्गे को, उसको ये पता है, नहीं उसको पता है कि वो अब हमारे फैमिली के मेंबर है कोई। खरा जेने दुए तो ला ले अड़ी। मम्मी आप बोलते ना मैंने अपनी लड़की को कुछ नहीं दिया है ना, मैंने अपने बेड उठा के दे दिए इनको, मैंने कहा ले लो बेड। बेड तो देड़ चाहिए। क्या वो? बेड तो जरूर देड़ चाहिए। भले क्या मम्मी, अगर हमने वहाँ पे इनके पास जाना हुआ तो हमें भी सोने के लिए कुछ चाहिए ना, नीचे बैठना, तो वहाँ पे हम एक बेड हमने दे दिया, एक मंजा भी दे देना, तो दो मंजा वहाँ पे लेके नहीं, कहते कोल्ड ड्रिंक के लिए जगह नहीं होती इतनी, तो फिर वो मंजा नहीं है। मम्मी आपको मन उदास नहीं हो रहा कि घर से सारा सामान चला गया? क्यों? रजाई जो उसमें पड़ी थी पेटी में है भैया। हाँ फिर कुछ और सामान रखा? तीन दे दी, दो कंबल दे दिए। तेरी है थोड़ा तीन है, मेरी है वो कितने और? दो कंबल दे दिए मम्मी। कंबल गड़े? कंबल दो लट गए। की है? मेरे तोड़े जड़े, एक इसका था, दो आपके दे दी। इन जाई दिए, मेरी भी बहू ने आना कहना मम्मा को क्या है, नवे ले लूंगे। नहीं उनका ना मम्मा को क्या है, मम्मा ऐसी नवे कंबल लेने बोला, मम्मी दे सुत्ती पेई सराने पैसे है, पेंशन लगी हुई मम्मी नो है ना मम्मी, पेंशन आजकल सारे नु नहीं लगी है। अच्छा अच्छा, तू ना स्पेशल पेंशन है ना मम्मी। मम्मी मुंह देखने वाला ना, मम्मी मुंह देखने वाला गया, लगी बनाई तू चुपती बा करदा कप। क्या हुआ मम्मी? गमले का रंगे। मम्मी आप कहीं छुट्टियों पे गए हुए थे? नहीं लाल जे। कौन से? वो लाल लाल गए पे ऊपर रंग भी है लाल का, वो दे ऊपर रंग दो ना मम्मी, टेप है, टेप रोल है, मैं क्या पत्नी मम्मी को क्या होगा। सिद्धार्थ जी जी मेरे को दे दो मम्मी का डब्बा। कौन सा? मम्मी का छोटा है ये, मम्मी डायपर वाला डब्बा ये, डायपर वाला डब्बा ये, सारे डब्बे डब्बे में छोटे, पता नहीं केड़े केड़े सूट मिले, ये है ये सिद्धार्थ का, ये गिर गया, ये गिर गया, ये क्या भैया ये पोछेगा मम्मी एक्स्ट्रा
जो तेरा केड़ा है मेरा नाम लिखा होगा ये प्रीति का नीचे वाला मेरा ये वाला होगा ये मम्मी सारा सामान है जो चीज है मम्मी उनसे लिए ये डिब्बे है पैकिंग वाला भी अच्छा नहीं हां इस कमरे की प्रिया इस कमरे की सेटिंग हुई बाकी सारा ठीक है ना इस कमरे की रिपेयर वगैरह हो गया ना बाकी सारा ठीक हो जाएगा बेड ला लूंगे उठे नहीं ला कुछ भी सोफा साफा ला लूंगी ले आऊंगे कुछ मर्जी करे चाहे अपने साथ लेके साथ ले जाओ जो करना करना किथे इस कमरे में नहीं रखने मम्मी स्टोर में दो थोड़ी ना आएगी स्टोर में दो थोड़ी ना आएंगे मम्मी एक ही आएगी वहाँ पे बेडरूम बनाना है एसी लगा के बेडरूम बनाना है एसी लग जाएगा स्प्लिट एसी वही लगाना खोल के इधर वो वाला खोल के इधर लगा देना बस उधर वाला और क्या वो दूसरा जो मेरे कमरे में उधर कुछ भी नहीं पंखे के ऊपर ना जैसे पंखे की आवाज आ रही है ना सिद्धू कहाँ जा रहे हैं हम बैग लेके